नमस्ते आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में या जिसको मैं और आप ब्लड प्रेशर भी कहते हैं ब्लड प्रेशर क्या है और ये डॉक्टर्स इसके पीछे इतना हदों के पड़े हैं? इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं सो जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो प्रेशर हमारा ब्लड मेंटेन करता है जब वो हमारे नसों के थ्रू जाता है कोने कोने में जाता है अब आप जानते होंगे कि दिल का हार्ट का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है हार्ट को पंप करना और वो खून पूरे बॉडी में हर कोने कोने तक पहुंचाना। अब जब ये पंप करता है हार्ट है ना इसको जब प्रेशर जब सबसे मैक्सिमम एग्जर्ट करता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर जो ऊपर वाली बीपी की रीडिंग होती है जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और वो कब होता है जब एक पंप के बाद हार्ट रिलैक्स करता है थोड़ा आराम करता है उस टाइम पे अगर प्रेशर को थोड़ा सा भी मेंटेन ना हो तो ब्लड फिर से पीछे आ जाएगा इसीलिए थोड़ा प्रेशर उस टाइम भी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट रहता है तो वो आर्टरीज उस टाइम जो प्रेशर को मेंटेन करती हैं उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं तो ऐसे दो रीडिंग आ गई सिस्टोलिक बाय डाइस्टॉलिक ब्लड प्रेशर अब हम डॉक्टर्स इसके पीछे पढ़े क्यों रहते हैं आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा अरे मेरा बी इतना हाई हो रहा है अरे डॉक्टर मेरे को टेंशन दे दिया क्यों अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपने आई एम श्योर बचपन में किया होगा मैंने भी किया है आप कभी ट्रेन में या कार में सफ़र किए होंगे जब गाड़ी शुरू होती है कम स्पीड पे होती है हम अपना गर्दन बाहर निकाल के उसमें को देखते हैं इंजॉय करते हैं वो हल्की हवा ठंडा लगता है अच्छा लगता है प्लेज़ेंट लगता है वो सबको अच्छा लगता है लेकिन अगर वही चीज़ आप करें अपना सर बाहर निकाल के विंडो से बाहर देखें जब आपकी गाड़ी ने स्पीड पिकअप कर ली है या आपकी ट्रेन ने रात को जब वो हाई स्पीड में चलती है उस टाइम पे अगर आप अपना सर बाहर निकालें और अगर आपने क्या होगा आपको पता होगा तो एक घुटन सी महसूस होती है इतना प्रेशर होता है हवा का कि सांस लेने को नहीं होता है यही चीज़ अब मैं आपको ब्लड प्रेशर में समझाने वाली हूँ जब हम नॉर्मली प्रेशर में रहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल में रहता है उतने में हमारे ऑर्गन्स को काम करना आता है ऑर्गन्स यानी कि जो भी जिनको खून पहुँच रहा है जैसे अपने मसल्स हो गए हार्ट को खुद थोड़ा सा ब्लड जाता है आई बॉल्स को जाता है किडनी uh, को जाता है लिवर को जाता है अतरियों को जाता है तो ये सब हमारे ऑर्गन्स uh, हो गए ये uh, जो मिनिमम नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रेशर है उसमें ये अच्छे से काम करना जानते हैं लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो ये वही वो, वो हो जाता है कि इतना प्रेशर है कि घुटन होने लगती है कि वहाँ डैमेज शुरू होने लगता है और वो डैमेज को लेने के लिए हम डॉक्टर्स बहुत ही घबराए हुए रहते हैं क्योंकि वो डैमेजेस शुरू में तो रिवर्सिबल रहते हैं लेकिन धीरे 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 करके वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हम ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्यों करें अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं हाई बीपी के सिम्टम्स क्या होते हैं तो सबसे खतरनाक इसकी जो चीज़ है वो यही है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं कोई लक्षण नहीं होते हैं हाइपर के कोई क्लियर कट रूल्स या वो सिम्टम्स हैं नहीं काफ़ी लोगों को जस्ट ऑन चेकिंग पता चलता है काफ़ी लोग हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं हार्ट अटैक लेके उनको पहली बार ही पता चलता है उनका बीपी हाई है हाँ थोड़े बहुत सिम्टम्स होते जरूर हैं लेकिन वो सब में नहीं होते हैं मैं आपको बता देती हूँ क्या सिम्टम्स हैं सर में दर्द होना फ्रीक्वेंटली सर में दर्द होना और थकान लगना मतलब कुछ करने का मन नहीं करना चिड़चिड़ापन होना कभी कभी नर्वसनेस होना या घबराहट होना कुछ सीरियस सिम्टम्स होते हैं नाक से खून निकलना आँखों से धुंधला दिखना कभी कभी फिर ठीक हो जाना फिर कभी कभी धुंधला दिखना चेस्ट पेन या चक्कर आके गिर जाना ये सब अगर आपको लक्षण हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं वेट करने की सलाह करूंगी मैं बोलूंगी कि आप जल्द ही हॉस्पिटल जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं और पता करें कि रीज़न क्या है बाकी सब के लिए एटलीस्ट जो तीस पैंतीस साल के ऊपर हैं मैं हाईली अर्ज करूंगी कि आप लोग अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करें पहले हम पेशेंट्स को बोलते थे कि आप अपने आसपास क्लिनिक हो वहाँ पे चले जाइए और अपना बीपी चेक कराइए बट अब कोरोना की वजह से हम ये भी नहीं बोलते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आपके घर में आपके अलावा भी कोई और है या अगर आप ही अकेले हैं और आप तीस से पैंतीस साल के उम्र के अराउंड हैं तो आप घर में मोनिटर ज़रूर रखिए बी मॉनिटर रखिए और उसको रेगुलरली चेक करते रहिए क्योंकि कब शुरू होगा आपको शायद पता भी नहीं चले लिहाजा से एक सही क्वेश्चन बनता है कि आपको पता कैसे चले आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है जब हम बीपी की ब्लड प्रेशर की या इनफैक्ट uh, कोई भी हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं हम यूजुअली uh, उस रिस्क को क्लासिफाई करते हैं मॉडिफ़ाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में तो नॉन मोडिफाइल रिस्क रिस्क क्या होगी जो चीज़ आप अपने बारे में बदल नहीं सकते हैं जैसे कि आपका जेनेटिक्स क्या है अगर आपके माता पिता को उनके माता पिता को आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को बीपी का प्रॉब्लम है तो ये चीज़ आप बदल नहीं सकते हैं आप जिस इन्वायरमेंट में हैं आपका घर जहाँ है आप जिस ढंग से रहते हैं वो सब चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है बेसिकली इसको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क बोलते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क होती हैं मतलब कि जो हमारे हाथ में है जिसको हम चेंज कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक हमको हेल्प कर सकती हैं बीपी की प्रॉब्लम अवॉइड करने में नॉन मॉडिफाइबल का क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं मॉडिफ़ाइबल मैं आपको बताती हूँ जैसे कि हो गया सबसे पहले तो आपका रहने का तौर तरीका कैसा है आपका लाइफ में स्ट्रेसफुल काम है आप बैठे रहते हैं पूरे दिन एक्सरसाइज uh, आपकी लाइफ में कितनी है खान पान कैसा है आपका uh, ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड एंड मॉडिफाइड आप फूड खाते हैं या नेचुरल फूड्स आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो दीज आर सम थिंग्स जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो विषय है वो है आपका uh, जो गलत हैबिट्स होती हैं आपको शराब की हैबिट है या सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट है तो ये आपका कितना फ्रीक्वेंटली होता है ये सब काफ़ी काफ़ी हद तक हमारा बीपी का आउटकम डिसाइड करते हैं तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के ग्रुप में आते हैं जो भी चीज़ें मैंने अभी तक मेंशन की हैं तो डेफिनेटली आपको मॉनिटरिंग शुरू करनी चाहिए अर्ली एज से शुरू करनी चाहिए और फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए